पति को देखने से पहले ही हमेशा के लिए पत्नी को प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर जाने वाले उस बदनसीब पिता की कहानी याद कर ही रूह कांप उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी सर्जा के बारे में, जिनका निधन बीते जून के महीने में हुआ। सुशांत के गुजरने से पहले चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ था उसी महीने। आज उनके पास उनका बेटा है, लेकिन वो उनके बेटे को गोद नहीं उठा सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यादों में है। आज मेघना, चिरंजीवी सर्जा की पत्नी मेघना राज, अपने बेटे को संभाल तो रही है, लेकिन पिता की कमी बेटे की जिंदगी में और पति की कमी एक पत्नी की जिंदगी में, पति को खोने के बाद माँ और बाप दोनों का किरदार बेटे की जिंदगी में निभाना आसान नहीं होगा मेघना राज के लिए। लेकिन ये किस्मत को मंजूर था, जिसकी वजह से आज किसी तरह खुद को तैयार कर रही है मेघना राज। खैर, 22 अक्टूबर की तारीख को मेघना ने चिरंजीवी सर्जा के बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने प्रेगनेंसी का हालत में अपने पति को अंतिम विदाई दी थी। रोते हुए जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उस बेटे को चिरंजीवी सर्जा की तस्वीर से लगाकर उन्हें गोद में दिलाया गया। इस तारीख को क्यों चुना? मेघना राज ने अपने बेटे के जन्म के लिए जिस तारीख को उन्होंने चिरंजीवी के साथ सगाई की थी, हम बताना चाहेंगे इसके पीछे का कारण। दरअसल मेघना के पिता सुंदर राज ने मीडिया से अब जाकर बात की है परिवार में आए इस नए मेहमान के बारे में। दिवंगत अभिनेता चिरंजीवी सर्जा के निधन के बाद उनकी पत्नी मेघना राज सर्जा बेटे को घर लेकर पहुंची और उनके देवर ध्रुव सर्जा ने चांदी का झूला बनवाया अपने प्यारे से भतीजे के लिए। चिरंजीवी सर्जा की तरफ से जूनियर चिरू का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। परिवार में पुराने गम में, पुराने जख्मों में मरहम का काम कर रहा है ये बेटा। किसी तरह से रोती हुई आंखों में होठों की मुस्कान लेकर आ रहा है। 3 साल पहले की बात है, ये बताते नजर आए मेघना के पिता कि 3 साल पहले इसी 22 तारीख को मेघना और चिरू का एंगेजमेंट हुआ और बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि उसी तारीख को उनका बेटा इस दुनिया में आज आया है और इसलिए वो बहुत खुश है। 3 years ago, it was on this very date that Meghna and Chiru were engaged. This is a very pleasant coincidence. It also shows how some things are destined to be, and today is one such day when we have welcomed my son-in-law once again in this world. दरअसल मेघना राज के पिता का कहना है कि उनके दामाद का दोबारा से इस दुनिया में स्वागत हुआ है उनके बेटे के रूप में। उनका दामाद घर लौट आया है। चिरंजीवी सर्जा दूसरा जन्म लेकर लौटे हैं अपने बेटे के रूप में मेघना राज की जिंदगी में। पहले पत्नी और अब माँ बनकर चिरंजीवी के यादों के साथ रहेंगी, अपने बेटे को संभालेंगी, जूनियर चिरू को संभालेंगी मेघना। हॉस्पिटल पहुंचते ही ये बात बेटे के जन्म के बाद मेघना के पिता सुंदर राज ने लोगों तक पहुंचाई। इस बारे में कहकर वो काफ़ी भावुक भी हुए। वैसे आपको जानकारी देना चाहेंगे हम इस खास रिपोर्ट में, इस बारे में बताते हुए वो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हुए, रोते भी नजर आए। मीडिया को जानकारी तो ध्रुव ने भी दी और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं, वो याद कर रहे हैं जब उनके भाई बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर भरोसे में थे कि उन्हें बेटा ही होगा। जी हाँ, निधन से पहले ही अपने बेटे के जन्म को लेकर भविष्यवाणी चिरंजीवी सर्जा ने की थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक पिता बनूंगा तो पहले बेटे का। और ध्रुव ने कहा, आई एम एक्सट्रीमली थ्रिल्ड एंड फीलिंग एन इमेंस प्लेजर दैट वी हैव अ हैवी हेल्दी बेबी बॉय। मेघना और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, भगवान हनुमान का शुक्रिया अदा है। अपने भतीजे को गोद में लेकर भाई चिरू के पास गया और खुशी दोबारा लौटी। चिरू के बेटे को देखकर लगा बिल्कुल वो चिरू ही है और इस खुशी को तुलना किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता है, इसे किसी चीज़ से नहीं तोला जा सकता है। ये कहते हुए काफ़ी इमोशनल हुए ध्रुव। ध्रुव ने ये भी कहा, 10 लाख का जो झूला है वो उसे डिजर्व करते हैं। मीडिया से बात करते हुए ध्रुव ने ये बताया। बता दें, चिरंजीवी सर्जा और मेघना राज को जो बेटा हुआ उसकी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। चिरंजीवी सर्जा
को याद करते हुए मेघना ने कहा, चिरंजीवी साजा वो उनकी दुनिया थे, वो उनका सब कुछ थे, उनकी खुशी का कारण थे और उनके बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी थी। लेकिन चिरंजीवी की पूरी छवि आज उनके बेटे में दिखाई दे रही है, जिसके कारण जीने की उम्मीद अब सिर्फ उनका बेटा ही है। मेघना ने इंद्रजीत लंकेश से माफ़ी मांगी थी जब काफ़ी ज़्यादा नाम काफ़ी अलग तरीके से उनका जुड़ा था इस मामले में। वैसे आपको बता दें, मेघना राज ने भी चिरंजीवी के साथ मलयालम कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। कन्नड़ मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मेघना भी है चिरंजीवी सरजा की तरह। गौर हो कि जून के महीने में शुरुआती तारीख को 5 जून की तारीख को चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ था। उनके निधन के दौरान पता चला कि उन्हें कार्डिक अरेस्ट आया और सीधा उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसके बाद उनके बारे में डॉक्टर ने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, आईसीयू में रहे थे वो, लेकिन अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हुए देर हो चुकी थी, उन्होंने साथ छोड़ दिया था। इस बारे में बताते हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुखी डॉक्टर भी हुए। गौरव की चिरंजीवी सरजा के निधन के बाद उनकी जब विदाई हुई तो उनकी अंतिम विदाई के दौरान तमाम सेलिब्रिटीज और भी मौजूद थे। साउथ के बड़े बड़े दिग्गजों को उनके अंतिम विदाई के वक्त देखा गया। उस वक्त COVID-19 का माहौल काफ़ी गर्माया हुआ था लॉकडाउन की वजह से, जिसके कारण चिरंजीवी सरजा के निधन पर हर किसी ने मास्क लगाया। वहीं उनकी पत्नी प्रेगनेंसी की अवस्था में थी, वो स्ट्रेस नहीं ले सकती थी, लेकिन पति को हमेशा के लिए खो देने के बाद जब पति को विदाई देने वो पहुंची, वो खुद को संभाल नहीं पाई थी। मेघना राज इतना रोई थी कि उनकी आंखें सूज गई थी रो रो कर। जब पति को उन्होंने देखा तो सीने में सिर रख कर वो खूब रोती रही। वो एक ही शिकायत करती रही कि क्यों चले गए तुम, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर ऐसे अचानक बिना कुछ कहे सारे सपने को तोड़कर क्यों चले गए तुम। वो सपना जिन दोनों ने साथ मिलकर देखा, अपने ज़िंदगी में आने वाले बच्चे को सारी खुशियाँ देने का, माँ बाप बनकर उसकी सेवा करने का, वो सारे सपने चूर चूर हो गए चिरंजीवी सरजा के निधन के बाद। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।